हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द द्विवेदी फैमिली में। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाएंगे उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम अपने किचन में कौन सी रेसिपी बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, कच्चे नारियल के, वो भी जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत आसान, सिर्फ दो तीन चीज़ों से मिलके बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कच्चे नारियल चाहिए और जो कि जिससे हम छील छाल के इसका ये हिस्सा हमें निकालना है। तो ये देखिए, मैंने ये सारे छील लिए हैं, तो जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा था नारियल का वो निकाल लिया है। उसके बाद मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद हम कढ़ाई में घी डालेंगे एक चम्मच और ये जो ग्राइंड किया हुआ नारियल है उसको कढ़ाई में डाल के हल्का हल्का भूनेंगे, लो फ्लेम में करेंगे। और ये हमें तब तक भूनना है जब तक हमें नारियल की हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे। तो देखिए इसको, और अभी ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई भी हो जाएगा जब तक हम इसे भूनेंगे। तो लीजिए, अब हल्की हल्की सी खुशबू आने लग गई है। तो हम चाहें तो इसमें मिल्क, नॉर्मल मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिल्क मेड का यूज़ कर रही हूँ। इससे दो फायदे हैं, एक तो ये आसानी से मतलब बनने में टाइम कम लेगा और दूसरा इसमें हमें चीनी की मात्रा उतनी ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैं इसे इसमें ऐड कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने 3 स्पून ऐड कर रखी है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल दूध के साथ बना रहे हैं तो भी आपको चीनी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 3 स्पून चीनी का बूरा ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 स्पून मिल्क ऐड कर दिया है और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब तक ये इसका गीलापन, अभी इसमें गीलापन हो गया है, तो जब इसका गीलापन सूख जाए हमें ये तब तक पकाना है। तो लीजिए, ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन कोशिश करिएगा कि बिल्कुल ठंडे से पहले ही आप इसके लड्डू बना दें, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू बनने मुश्किल हो जाएंगे। और एक प्लेट में हम लेंगे नारियल का बूरा। और चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये लड्डू बन गया है। अब हम इसे नारियल के बूरे में अच्छे से डीप कर देंगे ताकि पूरे लड्डू में नारियल का बूरा लग जाए। और लीजिए, यम्मी कच्चे नारियल के लड्डू रेडी हो गया। ऐसे ही हम अपने सारे लड्डू रेडी कर लेते हैं। तो आप बनाइए, दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, आप ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।